सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस ने मिर्ची गैंग का भंडाफोड़ करके दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पहले भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने टारगेट को चुनते थे, फिर मौका देखकर टारगेट के शरीर पर लाल मिर्च या खुजली पाउडर छिड़ककर चोरी और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 61 वर्षीय छवि गुवाला और 30 वर्षीय मंजीत गुवाला के रूप में हुई है। दोनों वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। आरोपियों के अनुसार मिर्ची गैंग दिल्ली में अभी तक ऐसी 5-6 वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपित वारदात की रकम को बैंक से बंगाल में अपने रिश्तेदारों को भेज दिया करते थे। उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कलसी के मुताबिक शिकायतकर्ता केशव ढींगरा ने बताया कि वो 10 दिसंबर को स्कूटी से खारी बावड़ी जा रहे थे। अचानक उनकी गर्दन के पास तेज जलन होने लगी। स्कूटी साइड में खड़ी कर गर्दन को पानी से धोने लगे। इसी बीच किसी ने उनकी स्कूटी की डिगी में रखे 5 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं। पीड़ित की शिकायत पर थाना लाहौरी गेट में FIR संख्या 307/21 अंडर सेक्शन 379/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कालसी ने दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई चोरी की वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपियों को दबोचने के लिए अक्षत कौशल ACP कोतवाली की सुपरविजन और विजेंदर राणा SHO थाना लाहौरी गेट के नेतृत्व में SI मनमीत मलिक, हेड कांस्टेबल भारत, विजेंद्र, राजेंद्र, कांस्टेबल सचिन की एक टीम का गठन किया। आरोपियों की पहचान के लिए जांच टीम ने सबसे पहले वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला। क्राइम स्पॉट के रूट को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से एनालिसिस किया गया। मुखबिरों का जाल बिछाया। दिनांक 15 दिसंबर 2021 को इलाके में ऐसे अपराधियों की गतिविधियों के बारे में जांच टीम को गुप्त जानकारी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम हरकत में आई और दिल्ली के फतेहपुरी चौक पर जाल बिछाकर दो लोगों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 61 वर्षीय छवि गुवाला और 30 वर्षीय मंजीत गुवाला के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्कूटी की डिक्की से पैसे चोरी करने की बात कबूल कर ली। तलाशी में आरोपियों के पास से चोरी के पैसों में से बचे 15,000 रुपए और स्कूटी की डिक्की का ताला तोड़ने के औजार बरामद हुए। दोनों आरोपितों ने पहले पुलिस को हिंदी बोल पाने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी हिंदी नहीं जानने का बहाना बनाकर जांच टीम को गुमराह करने लगे। पुलिस टीम ने गिरोह के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए दुभाषिया की सेवा ली। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अंतर्राज्यीय मिर्ची गैंग के सदस्य हैं। सभी सदस्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। आरोपियों ने आगे बताया कि उनका गैंग दिल्ली में अभी तक ऐसी 5-6 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए दोनों आरोपित अनपढ़ हैं। आरोपी 10-15 दिन पहले ही ट्रेन से दिल्ली आए थे और आनंद विहार इलाके में किराए पर रह रहे थे। गिरफ्तार मिर्ची गैंग के आरोपियों ने बताया कि उनके सदस्य पहले ट्रेन से अलग अलग शहरों का दौरा करके शहर के व्यस्त बाजारों में अपने टारगेट को चुनकर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों ने बताया कि टारगेट के चेहरे या पीठ पर धोखे से लाल मिर्च या खुजली पाउडर छिड़क देते हैं। जब टारगेट शरीर के खुजली वाले हिस्से को धोने में व्यस्त हो जाता है तो गिरोह के सदस्य टारगेट का कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाते हैं। आरोपियों ने यह भी बताया कि उनका गैंग अपने टारगेट का ध्यान भटकाने के लिए सड़क पर नोट और पैसे डाल देते हैं। उनका टारगेट जब सड़क पर पड़े पैसे उठाने जाता है तो गैंग के सदस्य मौका देखकर टारगेट का कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाते हैं। उत्तरी जिला DCP सागर सिंह कालसी ने बताया कि आरोपित वारदात की रकम को बैंक से बंगाल में अपने रिश्तेदारों को भेज दिया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपितों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।